आगे बढ़ते अखिलेश नए जोश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ दूसरे विश्वविद्यालयों के जीते छात्र नेताओं का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस जीत को सपा की नीतियों की जीत बताया और कहा कि सपा को इस जीत से नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि नए भारत का उदय तभी होगा जब नए लोग जुड़ेंगे और आज इन छात्र नेताओं के साथ हजारों छात्र भी सपा से जुड़े हैं। उन्होंने लखनऊ में जल्द ही एक बड़ी रैली करने का संकेत दिए। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि सपा गुजरात में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वे हर उस जगह चुनाव प्रचार करने जाएंगे जहां सपा बीजेपी को हराने की हैसियत रखती है। अखिलेश ने ताजमहल पर बीजेपी की बयानबाजी पर सवाल उठाए, आगरा को पर्यटन हब बताते हुए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे सपा सरकार ने बनवाया था जिसकी मिसाल दी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो ताजमहल है इसके कारण या दुनिया में जो व्यापार हो रहा है या टूरिज्म हो रहा है, व्यापार टूरिज्म के माध्यम से जो हो रहा है वो 3 ट्रिलियन का है। हमारे उत्तर प्रदेश का कैसे शेयर बढ़े वो टूरिज्म में, ये प्रधानमंत्री के भाषण में थी। जो लोग व्यापार नौकरी टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे थे आज वो कहां अटक गए हैं। मैं गुजरात में अपने प्रत्याशियों का और कोई दल कहेगा बीजेपी को हराने के लिए हम जरूर जाएंगे। जहां जहां हमारा संगठन होगा वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी नहीं, लिख करके भेज देंगे आप। देखिए एक्सप्रेस वे पे आप जाइए और एक्सप्रेस वे पे जाइए, वहां से कुछ तस्वीर आएंगी तो हम लोग देश और दुनिया के लोग जाएंगे कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। क्योंकि जब तस्वीरें आएंगी तो हमारे लोगों को चर्चा करने का मौका मिलेगा। ये वही एक्सप्रेस वे है जो समाजवादियों ने बनाया। तो शबी हैदर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। शबी, ताज पर बवाल, बीजेपी को हराएंगे, एक्सप्रेसवे को मिसाल बताया, लग रहा है अखिलेश यादव फॉर्म में फिर से आ गए। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं या जो समाजवादी छात्र सभा के जो पैनल के लोग जीते हैं उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया और निश्चित तौर पर एक जो अगली पीढ़ी है नेक्स्ट जनरेशन के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश की गई। बात अगर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें और उसका लबोलवाब समझने की कोशिश करें, इशारों में 3-4 बड़ी घोषणाएं की हैं, आगे की रणनीति की तरफ इजाफा किया है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर उनकी जरूरत पड़ेगी और जहां भी जाना होगा वो जहां तक वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात में 5 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, साफ कर दिया है कि वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं देंगे जिससे वोटों का बिखराव हो। यही नहीं, अभी तक कल तक एक स्पष्ट उनकी आइडियोलॉजी थी, एक स्पष्ट उनका रणनीति बनाई थी कि निकाय चुनावों में वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आज इशारा किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो क्या वो सिर्फ चुनाव, अगर हम विधानसभा चुनाव के नजरिए देखें तो विधानसभा का चुनाव सिर्फ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में है, इसके बरक्स अगर हम उत्तर प्रदेश और आसपास की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहां पर निकाय चुनाव होने, और जाहिर सी बात है क्या निकाय चुनाव कांग्रेस से मिलकर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्या जो महापौर के टिकट बांटने हैं, चाहे हम बरेली की बात करें वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत कम रहा था, या दूसरे हम सारे महापौर की बात करें जहां पर कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पे था, तो वहां पर कांग्रेस के साथ जो है इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। तो कुल मिलाकर लखनऊ में एक बड़ी रैली, युवाओं की बड़ी रैली करने का संकेत दिया है। जैसे ही काउंटडाउन होगा लोकसभा 2019 चुनाव का, उससे पहले अगर अखिलेश यादव एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इस तर्ज पर आज उन्होंने एक डायलॉग दिया है, एक नारा दिया है कि मैदान तुम्हारा शक्ति हमारी, यानी जैसे अब तक अगर हम रैली की बात करें तो लखनऊ में सबसे बड़ी रैली मायावती और नरेंद्र मोदी की है, लेकिन शायद अखिलेश यादव मायावती और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी रैली कर, वो भी युवाओं की रैली कर ये संदेश देना चाहते हैं। इस रैली का जो आप जिक्र कर रहे हैं क्या इसकी कोई दिन तारीख अभी तक तय हो पाई है, क्या मैसेज देने की कोशिश पार्टी इस रैली से भी करने वाली है? बिल्कुल, देखिए रैली की दिन तारीख तय है, उसका ऐलान नहीं किया है किन तारीखों में ये रैली होगी, लेकिन संभवतः अगर चुनाव जो है वो अपने तय समय पर होते हैं तो अगले साल यानी कि 2018 की जो शुरुआत होगी अगले साल के शुरुआती महीने में किसी दिन ये रैली हो जाएगी।
लेकिन अगर जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि चुनाव सरकार पहले करा सकती है, तो उसके मद्देनजर ये अपनी जो रैली है या इनके जो शक्ति परीक्षण है उसकी ये तारीफ जो है वो बदल सकते हैं और उससे पहले ही उस रैली को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव का योगी सरकार का जमकर हमला, ताज और एक्सप्रेसवे का पर हमला भी बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही साथ जल्दी ही वो एक युवा रैली भी करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल दिन तारीख तय नहीं हुई है।